हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका K3 गुरु में। मेरा नाम है संदीप। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप VLC मीडिया प्लेयर में YouTube के वीडियोस देख सकते हैं। जी हाँ, VLC मीडिया प्लेयर, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा VLC मीडिया प्लेयर और इसमें हम YouTube का कोई वीडियो प्ले कर सकते हैं। इसमें फ़ायदा ये होगा कि आपको अनॉइंग एड्स जो आते हैं, एड बीच में आते हैं, वो आपको नहीं दिखेंगे। प्लस और भी चीज़ें हैं, जैसे कि आप कंट्रोल VLC, अगर आप VLC कंट्रोल अच्छा लगता है आपको और YouTube इंटरफेस अच्छा नहीं लगता है, तो यहीं से आप VLC के थ्रू वीडियो को कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये ऐसा कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपके लैपटॉप में VLC मीडिया प्लेयर इंस्टॉल्ड होना चाहिए। VLC मीडिया प्लेयर अगर आपके लैपटॉप में या PC में इंस्टॉल्ड है, तो आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। आपको यहाँ पर कंट्रोल एक बटन होता है और N प्रेस करना है, और यहाँ पर आपको नेटवर्क टैब में जाना है। देखिए अलग अलग टैब है यहाँ पर, फाइल, डिस्क, नेटवर्क, कैप्चर डिवाइस। तो हमें जाना है नेटवर्क में, ठीक है। नेटवर्क में यहाँ पर लिखा रहेगा प्लीज़ एंटर अ नेटवर्क URL। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो भी वीडियो हमें देखना है, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि ये जो चैनल है मेरा, ठीक है, इसका मुझे ये वीडियो देखना है। तो चलिए मैं इसको प्ले कर देता हूँ सबसे पहले, और इसका URL मेरे पास होना चाहिए, ठीक है। ये URL हमने ले लिया, यहाँ से कॉपी कर लिया और फिलहाल हम इसको पॉज कर देते हैं। और अब अगर मुझे इसको VLC मीडिया प्लेयर में चलाना है, तो मैं इसको यहाँ पर URL को पेस्ट कर दूंगा। ये देखिए मैंने पेस्ट कर दिया है यहाँ पर URL, और जब मैं यहाँ पर प्ले बटन पर क्लिक करूँगा तो YouTube का वो वीडियो VLC मीडिया प्लेयर में चलने लगेगा। चलिए देखते हैं, प्ले कर दिया है। अब ये देखिए लोड हो गया। और हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं K3 गुरु, मेरा नाम है संदीप। आइए आज देखते हैं कि ऑनलाइन वोटर आईडी के लिए अप्लाई कैसे करते हैं। चलिए मैं अपना क्रोम ब्राउजर खोल देता हूँ और हम यहाँ पर टाइप करते हैं NPSP। तो वेबसाइट का एड्रेस है www.nbsp.in। तो दोस्तों, ये आप डायरेक्ट यूट्यूब से URL उठा के अपने VLC मीडिया प्लेयर में देख रहे हैं, ठीक है। ये आप ये मेरे पास कोई सेव वीडियो नहीं है, मैं यहाँ पे जो वीडियो URL है उसको कॉपी किया। ऐसे आप कोई भी वीडियो VLC मीडिया प्लेयर में देख सकते हैं। प्रोसीजर मैं आपको फिर से एक बार याद दिला दूँ, आपको करना क्या है, कंट्रोल और N को एक साथ प्रेस करना है, ठीक है। कंट्रोल की और N को एक साथ प्रेस किया तो ये नेटवर्क वाले टैब में जाना है। नेटवर्क टैब में जाकर यहाँ पर नेटवर्क URL में उस YouTube वीडियो का URL आपको पेस्ट कर देना है, और यहाँ पर आपको प्ले बटन पर क्लिक कर देना है। आप जैसे ही प्ले बटन पर क्लिक करेंगे, वो वीडियो आपके VLC मीडिया प्लेयर में चलने लगेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की ट्रिक। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई हो, ये वीडियो पसंद आया हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। और अगर आप और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं जो कि अभी तक हमने कवर नहीं किया है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई सवाल है आपका, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू।